आ जाऊंगी दोस्तों। और आज का जो मेरा वीडियो है, जो मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा है, वो लोग तो देखते ही हैं, कुछ भी लगा देता हूँ मैं उसको देखते हैं। लेकिन अगर आप धोखे से यहाँ पर आ गए हो मेरे चैनल पर, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखना पूरा। और आज का वीडियो जो है वो अमेरिका में जो स्कूलिंग है उसके ऊपर है। और अगर आप टीचर हो, माता पिता हो, स्टूडेंट हो, किसी शिक्षा विभाग में किसी उच्च पद पर बैठे हुए हो, तो वीडियो ज़रूर से देखना। और जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, अगर उनको मेरा वीडियो पसंद आए, तो आप इसको जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ज़रूर से शेयर करना, ताकि हो सकता है वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर मेरा उद्देश्य इसको पहुँचाना, कि शिक्षा विभाग तक जाए और वहाँ पर लोग उस वीडियो को देखें जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, और फिर वो अपना डेलीगेशन भेजें ये सीखने के लिए कि यहाँ पर जो स्कूलिंग होती है, या जो जब बच्चा हाई स्कूल में प्रवेश करता है तो किस तरीके की होती है। क्योंकि देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि सीखने में कोई बुराई नहीं है, और कोई भी जो होता है वो अपनी माँ के पेट से सीख कर पैदा होता नहीं है। हम समाज से सीखते हैं, दूसरे दुनिया से सीखते हैं, दुनिया के देशों से सीखते हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरा, तो ज़रूर से इसको शेयर करना अपने सोशल मीडिया पर। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, कि अगर आप माता पिता हो तो जब बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो जाना ज़रूर, दोनों, बहानेबाजी नहीं, दोनों जाना, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य है। अगर बच्चों का भविष्य नहीं बना तो फिर बेकार है ना सब कुछ। और अगर आप अमेरिका में रह रहे हो यहाँ पर और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर से देखना पूरा वीडियो मेरा। जब यहाँ पर बच्चा जो होता है वो हाई स्कूल में जाता है, यहाँ पर हाई स्कूल जो होता है वो 4 साल का होता है, 9th, 10th, 11th, 12th, तो ओपन हाउस होता है, वो एक बार ही होता है जब आपका बच्चा हाई स्कूल में जा रहा होता है, यानी कि 9th क्लास में होता है। तब वहाँ पर स्कूल ने बहुत सारे स्टॉल लगाए होते हैं यहाँ पर, और आपका जाना बेहद ज़रूरी है वहाँ पर। क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर देखा कि वो जो स्टॉल 12 स्टॉल लगे हुए थे, जो अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे, तो मैं उसमें से कुछ स्टॉल्स पे गया तो सब पे था, खैर कुछ पे गया, और मैं कुछ वहाँ से ये फ्लायर्स लेके आया हूँ या पैम्फलेट्स लेके आया हूँ। जब वहाँ पर जाओगे ना, तो वो इतनी बड़ी हेल्प होगी आपके बच्चे के भविष्य के लिए कि जो अनइमेजिनेबल है। और हर एक स्टॉल पे जाना और जाके वहाँ जो भी फ्लेयर्स वो दे रहे हैं या जो पैम्फलेट्स दे रहे हैं, वो उनको लेके आना और सबको पढ़ना। और हाँ, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा क्लास में, 3 क्लासेस में लेके जाऊँगा, जहाँ पर आप ये देख पाओगे कि यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों की, वो किस तरह की क्लासेस होती हैं। और एक और बात जो मेरे को यहाँ पर पता लगी, वो बहुत ही मेरे लिए तो अजीब थी, हो सकता है आप जानते हो उस बात को, कि यहाँ पर एक सेम सब्जेक्ट को कोई बच्चा 9th में लेता है, कोई उसको 10th में लेता है, कोई 11th में लेता है और कोई 12th में लेता है, सेम सब्जेक्ट को। और फिर क्लास के अंदर वो 9th, 10th, 11th, 12th के चारों क्लासेस के बच्चे होते हैं, वो एक साथ पढ़ा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा कुछ बताता हूँ आपको मैं अभी, कि स्कूल क्या क्या प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद फिर क्लास में चलेंगे। और मैं एक स्टॉल पे गया, तो वहाँ पर मेरे को ये फ्लेयर मिला जिसमें बताया कि आपके बच्चे को कोई बुली कर रहा है या कोई उसका उत्पीड़न कर रहा है क्लास में, वो कैसे आपको पता लगेगा, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। और यहाँ पर जो है वो टीन एज में जो है अल्कोहल की बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये सोचोगे हाई स्कूल में 3/4 जो बच्चे होते हैं वो कभी ना कभी अल्कोहल का सेवन करते ही करते हैं, और 8th ग्रेड में जो है वो 1/4 बच्चे, मतलब हर 4 में से 1 बच्चे ने अल्कोहल का सेवन किया होता है। तो इस यहाँ पर वो ये बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा जो है कोई उसको बुली कर रहा है, या वो डिप्रेशन है, या उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो और क्या प्रिवेंशन है उसके। सुना यहाँ पर क्या, आपने सब जगह सुना होगा कि छात्र या छात्राएं जो हैं वो आत्महत्या करते हैं या सुसाइड करते हैं, तो स्कूल बताता आपको कि यहाँ सुसाइड के क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या कारण हैं, क्यों बच्चे सुसाइड करते हैं। और आप ये सोचोगे 2007 में, कि 2007 का डेटा है मेरे पास, जिसमें जो सुसाइडल डेथ्स हुई थी वो थी 34,598 अमेरिका में, जिसमें से 12% जो थे वो 15 साल से 24 साल के बच्चे थे जिन्होंने किसी ना किसी वजह से सुसाइड किया है। तो वहाँ पर ये इस प्रकार की सब चीज़ें मिलती हैं जो आपको सब बताती हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता लग सकता है कि बच्चा आपका ये सोच रहा है कि वो सुसाइड कर सकता है, या वो सारे कारण जो हैं और उनके निदान या उनके उपचार, उसके लिए सब मतलब वेबसाइट्स हैं, उसके लिए काउंसलर्स हैं जो ये सब करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रहें, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़रूर से जब ओपन हाउस हो, आपका बच्चा 9th ग्रेड में जाए, तो ज़रूर वहाँ जाना। और मैंने फिर दोबारा कह रहा हूँ, सबको पढ़ना,
और अगर आप लोग आप चाहते हो कि ये बहुत सारे विषय हैं कि मैं इन पे एकदम सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो विषय हैं इन पे हर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बन सकता है। हर एक बच्चे को स्कूल जो है एक मतलब एक काउंसलर प्रोवाइड करता है उसको, जो उसकी काउंसलिंग करता है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए या उसकी सोशल प्रॉब्लम के लिए या एकेडमिक प्रॉब्लम के लिए, हर एक के लिए। तो ये जब आप जाओगे वहाँ से फ्लेयर लेके आओगे तभी आपको पता लगेगा कि स्कूल क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। और आप ये समझो कि पेरेंट, जितना मेरे को लगा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ उसमें, कि पेरेंट जितना करते हैं स्कूल जो है वो उनसे कई हजार लाख गुना, मुझे ऐसा लगा कि आगे जाकर बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए काम करता है स्कूल। तो ये सारी मतलब बातें हैं, इतनी हैं कि मैं अगर करने बैठ जाऊँ तो मेरा वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो कहोगे बुढ़ा पकाता है बहुत, देखोगे नहीं। तो चलो टाइम नहीं ख़राब करता हूँ, लेके चलता हूँ क्लासरूम में, और आप देखना कि यहाँ पर जो क्लास होती हैं 9 to 12 उनका क्या लेवल होता है। और फिर से दोबारा से वही बात कर रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो ज़रूर से शेयर करना, हो सकता है किसी काम आएगा। So if you want anything, just, you know, have a little bit of school pride, you can take whatever you want. On there, on the back, obviously shows all the different tables that are out here. And then if you want to show them around to where all of your classes are, if you remember, there's posters hanging on teachers' windows that kind of just give a little bit about the teacher. So yeah, you guys are welcome to walk around if you want to grab a mask. These were made by a local church around. So this is the machine shop. So come on in, we do... This is the part of their... This is a different part of from the design engineering class. Yeah. This is a full-blown machine shop. We have metal lathes, milling machines. We have CNC, computer-controlled milling machines. We have a bunch of different welding systems set up here. We have plasma cutters in the back. We got just about anything you can think of that a modern machine shop would need to produce a product, we can do that here. So that I don't have to, you don't have to worry about it yet. Somebody was saying it has to be done in 10th grade. No, it opens up October 1st of a senior year. Okay. And it's federal financial aid. Okay. So it's loans, grants, scholarship, and work study. It's not done in middle school. They can ride the city bus. Uh-huh. For the whole school year, can we do the coverage? That's my dad, and he's very excited. It's the first time that the grandkid is going Isn't to high school. And these are all our resources in the community. So for, you know, food or clothing or medical needs, anything like that. Square instead. Oh, okay. Yeah. That's a good idea. Yeah. This one. Yes. So if you're not registered yet to vote, we have So if somebody is not registered, he can register here? They can register here, yes. Teacher ne mask lagaya hua hai. Ye wo baithi thi ASB. हमारे यहाँ बैठ कर इंजीनियरिंग की क्लास है, हाँ ये पूरी क्लास इंजीनियरिंग की है, यहाँ सबकी डेस्क असाइंड होते हैं, नो और यहाँ मेरी चेयर है, इज दिस योर्स, ओके, तो यहाँ फिर हमारा लॉग इन होता है, इसमें लॉग इन करते हैं और फिर वो वहाँ पीछे से सिखाता है और फिर उस पे आता है सारा कुछ, इस पे एस टी वी पे आता है, अगर स्केच कैसे बनाने, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो एक सब्जेक्ट है तुम्हारा सब्जेक्ट, या तो कितने इतने ही बच्चे होते हैं जितने तुम यहाँ, इतने और ये पूरा पीछे भरता है, इसलिए वहाँ टीवी लगा, इसलिए पीछे भी लोग बैठते हैं, और कंप्यूटर्स नहीं चाहिए तो हम यहाँ बैठते हैं, and I do recommend that you know, your granddaughter was talking about wanting to be a machinist or be an engineer. Learning how to make parts is a critical component of being a good engineer. Yeah. So you might be in here someday too. What you can do and what you can't do in a machine shop, you can design the heck out of something.
so we can build pretty much anything. If it can be built, we can do it in there. Just right there. What is this? Laptops. What? Laptops. Oh, all these are your laptops? Yeah. ओ ये चार्ज हो रहे हैं सर यहाँ पर है ओके और ये जब तुम अपने उस पर पढ़ते हो वहाँ पे अपने तुम्हारे जो लेके कनेक्ट कर देते हैं तो ये तुम्हारी यहीं पे रहती है या तुम्हारे घर पे भी होती है ये वाली यही रहती है और घर पे क्रोमबुक और वहाँ जा नहीं सकते इसलिए वो दूसरी क्लास है लेकिन वहाँ आईमैक्स है एप्पल के यहीं से वीडियो बनाऊंगा जल्दी से बना हुआ पिक्चर भी होगी शायद एप्पल के कंप्यूटर और उसकी क्लास है पिक्चर्स Look.